अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यासर अली संधू जी ट्रैक्टर जोन यूट्यूब चैनल तो। YTO 804 EF 804 4x4 ट्रैक्टर है भाई, ये है मेड चाइना आ। ये मतलब तुम पूरी इन्फॉर्मेशन दें, अज इस उत्ते आए हुए थे। मैं नाल मेरे चेयरमैन साहब आ, चौरी वाहद अमर साहब तो आसफ खिची साहब आ। तो बंदा धो रहा से, उन्होंने कहा भी भाई बाद च धोना, तू पहले अपना रिक्वेस्ट की उन्होंने भी सानू पहले ट्रैक्टर चैक करवा, असीं इहनू चला के भी चैक करांगे ते मुकम्मल इन्फॉर्मेशन तुहानू देवांगे कि पाकिस्तान च नवीं एंट्री है और कैसा परफॉर्म करेगा। फिलहाल दी घड़ी तक तो तुहानू यही दसांगे भी इहदे नाल की चीज़ है आ लगी हुई और कैसी इहदी क्वालिटी है, लोहे की प्लास्टिक की बणत्तर कैसी है इहदी, क्योंकि फोटो दे विच देखण नू चीज़ कैसी लग रही है और तुहानू दसण च असीं नाल दस दांगे कैसी है और परफॉर्म कैसा करेगा। ये आने वाले वक्त मज़ीद पता लग जाएगा क्योंकि इहनां कोल टैसटिंग दे उत्ते इहे अपना आए हुए ने। अच्छा जी भाई, पूरा जनाब ये इंशाल्लाह मुकम्मल जी ना इन्फॉर्मेशन तो शेयर कर दें। शरीबाद अहमद साहब कर रहे रिव्यू एदा, मैं इंशाल्लाह तुहानू दिखाना है उन्होंने गलबात, अपना भी अपना मैं पॉइंट ऑफ व्यू जो भी है मैं तुहानू शेयर करूंगा। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਖਾਲਾ ਬੰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਖਾਲਾ ਬੰਨਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 4x4 ਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 4x4 ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਖਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 50 ਕੇਜੀ ਦੇ ਦੋ ਵੇਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ। अच्छा जी 18 ਦਾ 16 ਦਾ ਟਾਇਰ ਆ, 16-9-30 ਦਾ ਟਾਇਰ ਆ, 375 ਵਾਲਾ YTO EF 804 चाइना मेड ट्रैक्टर है फुली जी। अस्सलाम वालेकुम, YTO EF 804 चाइना मेड ट्रैक्टर है भाई जी। मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैं दोस्तों शेयर कर दवा, उस तो बाद इहदी हर चीज़ जिवें जिवें मैं दिखावांगा दोस्तों शेयर कर दांगा। नंबर 1 डीजल पंप इहदा प्लंजरी है, चाइना का मॉडल है, 4 सिलेंडर इंजन है, यूरोपियन स्टैंडर्ड है। EF 804 YTO कंपनी जी है तकरीबन 10 तो प्लस कंट्रियों के काम कर रही है और 10 VHP तो लग के 200 HP तक ये ट्रैक्टर बना रही है, 300 HP तक बना रही है, 10 तो प्लस कंट्रियों के ट्रैक्टर दे रही है और पूरी तरह कामयाब तरीके दे रही है। इस तो बाद उस तो कामयाब होने तो बाद इतने पाकिस्तान इन्हों का प्लैन से YTO ग्रुप का पाकिस्तान ट्रैक्टर देना, इस तो पहले ऑलरेडी ये कामयाब ट्रैक्टर दे रही है और पहले मार्केट च काम कर रही है। ये नहीं कि नवा कोई ट्रैक्टर बना के उन्होंने इतने मार्केट इंट्रोड्यूस करवाया। 4x4 है, टायर साइज मैं दोस्तों ना शेयर करके हटा कि मजीद मैं दस रहा, बैक साइड का 16 का टायर है, अगला टायर जो है आसफ साहब दिखाओ टायर, अगला साइज 9-5-24 का टायर है, जनरेटर भी चाइना का ही लगा हुआ है। पंप जो जिम्मे फीड का पंप आता है, हाइड्रोलिक पंप और जैक पंप सेम दोनों लगे हुए अलग अलग, सैलेंसर के उपर इन्होंने कवर दिता हुआ है सेफ्टी वास्ते, हीट जोड़ा हाथ में हमने ट्रैक्टर स्टार्ट आया है, इतों ट्रैक्टर गर्म है, यह कवर की वजह ना हम हाथ में हीट नहीं लगती, अचानक तुम आता हाथ लग जाता ड्राइवर का या कोई बच्चा लगा दिता है तो किसी किस्म का हाथ सड़न का ये कोई खतरा नहीं। रिफलैक्टर और इंडीकेटर साइड से दिए गए हैं, साइड मिरर दिए गए हैं, चढ़न वास्ते इस साइड से पायदान दिए गए हैं, सलफ भी इसे साइड पर है, ऑयल चेक करन की गेज भी इसे साइड पर है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं पंप दोस्तों पहले दस के हटिया वो बारे मैं थोड़ा गाइड कर देव कि फीड के कुछ मसले आ रहे थे कि जी तेल पिछे कचरा बना और पंप के प्रॉब्लम आती है, इन्होंने उस प्रॉब्लम बड़ा जरा गौर नाल मतलब समझ लो भी इनू कवर किया, ये इन्होंने लहदा टेंकी लगा दी है तेल वास्ते ताकि पंप इतों ही तेल लवे और इस जगह पर फिल्टर लगाता है, फिल्टर हो के पंप तो हो के वापसी दोबारा जिहड़ी जिन्ना जरूरत है वो अलग ही पिया होएगा, किसी किस्म का मतलब कचरा बनने का कोई खदशा नहीं और इहदा किसी पिछले हिस्से के तेल नाल कोई तलक नहीं, पिछले हिस्से का अलग तेल है। दूसरी साइड पर आ गया दोस्तों, अच्छा मैं लाइटों के बारे भी दोस्तों दसदा, फ्रंट लाइटा जिहड़ियां इन्हां लाइटों का दोस्तों ये फायदा होंदा है कि जिवें मैसी 385 या फीएट चा अपने कोई भी ट्रैक्टर फीएट दे आ रहे हैं उन्होंने लाइटा फ्रंट से जिहड़ियां होंदियां ना उहदे नाल अक्सर रात के टाइम आपां जिसले चलाउने आ साइडां ते लाइटां नहीं जांदियां, सीधियां लाइटां चलदियां होंदियां, आपां हल चलाउने आ जां कोई दूसरी चीज़ चलाउने आ उहदे नाल जिहड़ियां लाइटां आ इहदा व्यू जिहड़ा सीधा रहिंदा, इहनां लाइटां दा ये फायदा होंदा कि इहदे नाल रोशनी जिहड़ी आ उह साइड ते निकलदी है, मतलब चलाउंदियां होइयां कोई भी आपां हल चला रहे हैं जां कोई भी इंप्लीमेंट रात ते डिस्क चला रहे हैं रात के टाइम जिहड़े हलां जिहनूं आपां कहिंदे आ जां रैलां कहिंदे आ उह आपां
ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਰਹਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੰਘੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੂਧਾ ਮੂੰਹ ਆ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ ਇੱਕ ਵੇਟ, 20 ਕਿਲੋ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਤਿੰਨ ਵੇਟ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ 6 ਵੇਟ, 2 ਮਣ 3 ਮਣ ਤਕਰੀਬਨ ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ 80 ਤੋਂ 100 ਤੱਕ ਡੀਜ਼ਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 10 ਲੀਟਰ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੰਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਔਰ ਆਇਲ ਫਿਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਲੰਜਰੀ ਪੰਪ ਆ, 4 ਸਿਲੰਡਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਲਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਪੁਲੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪੱਖੇ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੈਲਟ ਲੂਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਬੈਲਟ ਉਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਯੂਰਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਰੈਡੀਏਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੇਸ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੱਖੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੱਖਾ ਡੈਮੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਰੰਟ 4x4 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਵਾਲੇ, ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੋਨਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈ ਬੈਟਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 120 ਐਂਪੀਅਰ ਦੀ, ਔਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਲੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਹਵਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਲੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਨਟ ਉੱਤੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਛੰਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਰੈਡੀਏਟਰ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਡਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੜੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਫਿਲਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਰੈਡੀਏਟਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਚੌੜਾ ਔਰ ਵੱਡਾ ਰੈਡੀਏਟਰ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਊਗਾ ਹੈੱਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ, ਪਾਣੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਯਾਸਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਾਲੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਅ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰੈਡੀਏਟਰ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਪਡ ਕਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈੱਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਆਇਲ ਦੇ ਪਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਵਾਟਰ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਧਰ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਯਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਟੂਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਐਕਸਲ ਸਿੱਧੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਐਕਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਲ ਟੂਪਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਜੈਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਡਬਲ ਜੈਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਆ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਦੀ ਮੋਟਾਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਮ ਜੈਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਰਾਫ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਆ ਸਰ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਰਾਫ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਰਾਫ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਐਕਸਟਰਾ ਵਜ਼ਨ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਰਾਫ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜੈਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੈਕ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ। ਹਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ, 2 ਲੱਗੀਆਂ ਹੈ, 5-5 ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪਲੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿੰਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹੋ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਫੁੱਲੀ ਕਵਰ, ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ। ਬੈਕ ਲਾਈਟਾਂ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਯੂਰਪਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀਆਂ, ਦੇਖ ਕੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਬੈਕ 'ਤੇ, ਚਿੱਕੜ ਮਾਈ ਟਾਈਪ ਸ਼ੀਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ।
अच्छा जी, इस तो अलावा आप जाइए दे ऊपर। अच्छा जी, पायदान है जी, इतों चढ़न वास्ते जनाब ये चीज अलहदा दिती गई है, जिन्होंने पंजाबी आप हाथी वगैरह कह लें या दस्ती वगैरह कह लें। यह उपरला जनाब प्लेटफॉर्म है, तो वही सीट है। अच्छा जी, उपर बैठ के मैं दिखा दिना दोस्तों हूँ। अच्छा, बोनट थले करो जी, यदा बोनट थले करना दोस्तों। अच्छा जी, ए साइड के लाइटा के स्विच दिए गए, हारन का दिता गया, फ्रंट लाइटा के इंडीकेटर दिए गए, हाई लोड लाइटा का दिता गया है इंडीकेटर, स्टीयरिंग व्हील है, खूबसूरत है वाकया ही, ओवरऑल प्लास्कट की क्वालिटी अच्छी है, एड डैशबोर्ड का प्लास्कट है अच्छा दिता गया है, मीटर जो दिता गया है और प्ला ऑयल प्रैशर गेज दिती गई है, टम्परेचर गेज दिती गई है, आर पी एम मीटर दिता गया है, फ्यूल गेज दिती गई है, बैटरी दे दिती गई है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर है, बाकी किसी भी किस्म का कोई फॉल्ट या कोई चीज़ आती है वो अलहदा इतने शो कर दी है, किन्ने हॉर्स चले आया वो डिजिटल मीटर अलहदा लगा हुआ है। ठीक है जी, ऐसा व्यू है जी, उपर बैठ के बंद करने वास्ते चौक दिती गई है, स्टार्टिंग स्विच। अच्छा जी, ब्रेक पैडल दी है, क्वालिटी है, सिंगल पैडल, डबल पैडल प्रेस करने वास्ते लॉक दिता गया है, इतों आप लॉक कर सकते हैं डबल पैडल। ठीक है जी, क्लच पैडल उपर बैठ के खुलम खुला तुम बैठ सकते हो और खुला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी, रेस पैर जोड़ा है वह भी केबल जी भी इतने के दिती गई, इस तरीके मतलब महसूस होंगे देख सकते हैं। ठीक है, साइड के उत्ते की आ जाता है, साइड के उत्ते पीटीओ गेयर आ जाते हैं 540। ठीक है जी, मल्टी पीटीओ है 540 और 1000, दो पीटीओ गेयर मिल जाते हैं, ऐप वाली हैंड ब्रेक मिल जाती है, ईजीली यूज है, नहीं बुरा जोर लाना पेगा ना, इस तरीके यूज़ हो रही है जबरदस्त। देखो जी, इन पुश करके आप नीचे कर सकते हैं, पीटीओ गेयर के होने वाला गेयर यूज होने वाला, गेयर 4x4 के उत्ते होने वाला लीवर यूज। ठीक है जी, यह चीज़ 4x4 का गेयर है, इनू आप उपर खिंचते हैं, नीचे दबाने हैं, तो 4x4 जरा वर्किंग है, दस्ती है उपर चढ़ने उतरन। फ्रंट से शीट दी गई है, हीट शीट दी गई है कि ड्राइवर तक किसी भी किस्म की जी गर्म हवा जी ड्राइवर तक पखे तो निकलने वाली ड्राइवर तक ना पहुँचे। गेट ट्रांसमिशन से आ जाने 1, 2 एंड 3, 4। ठीक है जी, 4 गेयर है, हाई लो मीडियम नहीं है जी, हाई लो रिवर्स। अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज़ दस देवा, तो जो 85 HP का इन्हों का ट्रैक्टर वो 4 गेयर जो ने हाई लो रिवर्स ही है। ठीक है जी, मीडियम का ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है, लिफ्ट वास्ते इस साइड से यह चीज़ महसूस होंगी है, ड्राइवर इदा इस तरीके दिखता है, यह लिफ्ट वास्ते यूज होंगे लीवर दोनों। ठीक है जी, बोनट थले करा चाहो साहब, हाँ जी। अच्छा जी, पीटीओ मैं दोस्तों दस दी अगे जी, साइड शीशे थानी तुम देख सकते हैं, मैं जूम इन करके दिखा देना, देखो शीशे थानी बैक बिल्कुल नजर आता, ये नहीं कि एक एक फॉर्मैलिटी सिर्फ पूरी की है, नो, ट्रैक्टर के बैक साइड से बिल्कुल अच्छे तरीके वाजिया नजर आता जी, दोनों साइड एडजस्टेबल शीशे ने दोनों, प्लास्कट की क्वालिटी मैं दस दी है, स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा है, नरम प्लास्कट का, हार्ड प्लास्कट नहीं है, ये चीज़ जिदा कि MSC 385 या हॉलैंड के ट्रैक्टर किसी च आ रही है, हार्ड स्टीयरिंग वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल नरम प्लास्कट है। ठीक है जी, एदा इलेक्ट्रिक सिस्टम अंदर सारा, फ्यूज वगैरह बाकी चीज़ा। गेयर के दोस्तों मैं 2000 से रेस रख के पहले अगे लैके जाऊँगा, फिर उस साइड तो बैक गेयर के 2000 से रेस रख के वापस लैके आऊँगा,
स्पीड चेक करना, रूम आउट रखना सर। अच्छा जी दोस्तों, स्लिप चेक कर रहे थे कि ट्रैक्टर आरपीएम किन्ने तोड़ता, तो ट्रैक्टर ने कोई आरपीएम नहीं तोड़िया। पिछले ट्रैक्टर की स्लिप वजी हुई देख सकते हैं, वीडियो तुम्हें देख ली होनी है। कोई आरपीएम नहीं तोड़िया, एक 5% भी नहीं तोड़िया, कहो ना 50 आरपीएम भी तोड़िया, वह भी नहीं तोड़िया। कीमत है इसकी 19 लाख रुपया। आखिर तो एंड मैं यही गल करूँगा कि दोस्तों जी कंपनी लैके आ रही है, कंपनी ने रिक्वेस्ट है उन्होंने अनुसार इंशाल्लाह जाके उन्होंने जो लैके आए इन्होंने उन्होंने गल भी करा कि अगर ट्रैक्टर लैके आना है और लैके आता है यदा स्पेयर पार्ट जरूर लोगों को मुहैया कर, स्पेयर पार्ट देंगे तो ही मार्केट के परफॉर्म कर पाएगा। अदरवाइज़ लोगों नाल किसान नाल ज्यादती होगी कि अगर स्पेयर पार्ट यदा नहीं लैके आते। स्पेयर पार्ट बहुत जरूरी है दोस्तों। माशाल्लाह खूबसूरत ट्रैक्टर है, सानू पूरी तरह पास है और इंशाल्लाह आप भी परचेज करा इंशाल्लाह। कंपनी सैटिस्फाई करे कि स्पेयर पार्ट सानू मुहैया करेगी करेगी तो इंशाल्लाह मैं मेरी जात इंशाल्लाह मैं परचेज करांगा और इंशाल्लाह उन्होंने गल करांगे कि अगर जिदा कि जॉन डियर 720 आया, राही आया और दीवान फुटान आया, उन्होंने कंपनी दे के मुड़ के गायब हो गई तो खराबी पैदा हो गई मार्केट के बच्चे दोस्तों जिन्हों को सके वो वेले खड़े हो गए ट्रैक्टर खराब होने तो बाद, कोई कितों स्पेयर पार्ट मिल रहा, कोई कितों मिल रहा और बहुत महंगा मिल रहा। कंपनी तावन करे, इनू मार्केट लियावे तो स्पेयर पार्ट जरूर देवे।